नमस्कार, स्वागत है आपका सबकी खबर एक नज़र में। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर में डीआरडीए हाल में जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, पूरे हरियाणा में 8 करोड़ 20 लाख क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है और सरकार का जो लक्ष्य है वह पूरा करेंगे। सरसों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। इससे पहले सरसों की खरीद 7 करोड़ क्विंटल भी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा, कांग्रेस के लोग तो तफरी लेने के लिए विदेश जाते थे। मंत्री ने कहा कि बीजेपी पार्टी तो काम करने के लिए विदेश जाते हैं। मंत्री ने कहा, झज्जर जिले के बादली हल्के में जिन झोड़ों में पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है उनमें जल्द से जल्द पानी भरवाया जाए। अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। मंत्री ने कहा, हल्के में जितनी भी व्यायामशाला खोली गई है उनको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। ऐसे आदेश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। लेकिन वहीं पर जन समस्याएं सुनते हुए अनेकों गांव के सरपंचों ने व्यायामशालाओं में पीने के पानी की व्यवस्था करने को कहा। सबसे मेन समस्या क्या है? देखिए, गर्मी आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात पानी की है। सब लोगों को पीने का पानी अच्छे से मिले और पशुओं को झोड़ों में पीने का पानी मिले, यही मुद्दा सुनिश्चित करने के लिए आज सब अधिकारियों को बुलाया था कि इसकी व्यवस्था में सब अच्छे से लगे। कुछ कठिनाइयाँ, कोई बिजली की वायर बदलनी है, कोई पोल बाहर करना है, इस तरह के भी कुछ मुद्दे आए हैं। जो व्यायामशालाएँ बनी हैं उनमें और जो प्रोसेस में और अधिक चीज़ें जो बची हैं वो पूरी होकर तेज़ी के साथ काम हो, एक मुद्दा था। बाकी लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं थी जो अधिकारियों को बता दी गई हैं कि जो भी जिसकी निजी समस्या है उसका समाधान करें। सर, किरण चौधरी जी ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी तफरी लेने के लिए बाहर विदेशों में जाते हैं, उसके बारे में? ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोग जाते थे, अब उनको वही लगता है। बाकी लोग तो मेहनत करने के लिए जाते हैं, हमारे लोग कांग्रेस की तरह तफरी नहीं लेते, काम करते हैं। आरती मिले थे उनकी समस्या थी। ऐसा है कि पूरे हरियाणा में इस बार 8 करोड़ 20 लाख क्विंटल खरीद हो चुकी है। पहले कभी कभी खरीद जो है 7 करोड़ क्विंटल के भी पार नहीं जाती थी, और उस नाते से बारदाने वगैरह की कठिनाइयाँ स्टेट में आई हैं, लेकिन जो भी कठिनाइयाँ हैं उनसे पार जाते हुए सब जो भी एक एक दाना खरीदने का जो सरकार का संकल्प है उसको पूरा करेगी। सरसों की खरीद भी 25 लाख क्विंटल करनी थी, अगर उसमें से किसानों की आ गई है नहीं तो ठीक है, नहीं तो केंद्र सरकार से। सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि अब तक हमारी लेट